इस सीजन में बहुत ही लाल लाल फ्रेश फ्रेश ताजे टमाटर आ रहे हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटकारेदार खट्टी मीठी चटपटी इंस्टेंट टमाटर की चटनी। ऐसी कुछ खास सीक्रेट ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप टमाटर की चटनी को आप एक बार बनाइए और पूरे 1.5-2 महीने खाइए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और ये टमाटर की चटनी इतने टेस्टी बनती है कि आप सब्जी छोड़ पूरा खाना इसी से खा लेंगे। चाहे समोसा पकौड़ा सैंडविच खाइए या पराठा रोटी पूरी दाल चावल खाइए, सबके साथ एकदम हिट। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेस्टी और सुपर यमी टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो टमाटर। तो यहाँ जो टमाटर आपको लेने हैं बिल्कुल बढ़िया से पके हुए, ऐसे लाल लाल टमाटर लेने हैं। ये देखिए, अभी तो सीजन है, मार्केट में खूब मिल रहे हैं ऐसे लाल लाल टमाटर। से ना चटनी का कलर और टेस्ट दोनों बहुत बढ़िया आते हैं। तो टमाटर मैंने कर लिए हैं बिल्कुल बढ़िया से वॉश, और मीडियम फ्लेम पर बढ़िया गर्म पानी में सारे टमाटर हम डाल देंगे। बस यहाँ हमें टमाटर को और पानी यहाँ पर बस इतना ही लेना है कि टमाटर बढ़िया से डूब जाए। बस 1.5-2 मिनट में ही आप देखेंगे कि हल्की हल्की इसमें क्रैक्स आने लगेंगे और ये जो स्किन है हटने लगेगी। चाहे तो टमाटर काट करके डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पर ऐसा करने से शेल्फ लाइफ भी इम्प्रूव होगी, टेस्ट अच्छा आएगा, समय कम लगेगा। और आप देख सकते हैं कि टमाटर के ऊपर की स्किन बिल्कुल बढ़िया से अलग हो रही है, ये देखिए। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और एक प्लेट पे सारे टमाटर निकाल लेंगे। और टमाटर के हल्का ठंडा होते ही ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर की स्किन ये पूरी हम इस तरह से हटाते जाएंगे। बहुत ही जल्दी जल्दी स्किन हट जाती है। और छिलका हटा करके बस इस तरह से हम एक चाकू से इसको बीच में से थोड़ा थोड़ा सा रफली कट कर लेंगे, जिससे कि हम आसानी से इसको मिक्सी में दरदरा सा पीस पाए। ये देखिए, बस इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, तो इसमें हम सारे टमाटर के पीसेस को डाल देंगे। बिल्कुल लगातार नहीं चलाएंगे मिक्सी को, पल्स पर रुक रुक कर चलाना है, दरदरा सा पीसना है। चाहे तो आप टमाटर को कद्दूकस से ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर हाथ से इस तरह से मैश भी कर सकते हैं। तो 2 बार में पीसेंगे हम बिल्कुल इस तरह से, ये आप देख सकते हैं मैंने हल्का मोटा सा इसको पीसा है। और इसी तरह से हम अपने सेकंड बैच के टमाटर भी पीस लेंगे। अब आप गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई, फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने। जीरा और सरसों के दाने चटकते ही इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है इस चटनी में। अब इसमें जाएगी नेक्स्ट 1 बड़े साइज की प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप प्याज ना डालना चाहें, बिल्कुल बगैर प्याज के आप बना सकते हैं, प्याज से इस चटनी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये चटनी ऐसे है मतलब जैसे अभी ठंड का मौसम है, मन नहीं हो रहा सब्जी वगैरह बनाने का, अगर टमाटर की ये चटनी बनी रखी है तो बस आपको जरूरत ही नहीं है कोई सब्जी की, इसी से आप पूरा खाना खा लेंगे, बल्कि तीनों वक्त का खाना भी खा लेंगे। बहुत बढ़िया लगती है, मुझे तो पराठे और पूरी से बहुत ही पसंद है। मेरे घर में सब दाल चावल से भी बहुत लाइक करते हैं। आप कहीं ट्रेवल पर जा रहे हैं, लंच बॉक्स में रखना है, उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया चटनी है। सबसे अच्छी बात, इस तरह एक बार बना करके आप पूरे 1-1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कैसे करना है आप वीडियो को एंड तक देखिए, मैं वो टिप्स भी आपको जरूर बताऊंगी। और ये देखिए, प्याज अभी हल्की सी भुन गई है और ट्रांसलूसेंट सी दिख रही है। चटनी को और भी मजेदार बनाने के लिए कुछ चीजें, तो यहाँ पर मैंने लिए 3 से 4 हरी मिर्च, जिसको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया, और लगभग 10 से 12 लहसुन की कली, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। सभी चीजों को इस स्टेज पर हम डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया से चटनी का स्वाद आएगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए चटनी के स्वाद को ये चीजें डबल कर देंगी। और डालकर थोड़ी देर इसको भी बढ़िया से भून लेंगे। तो जब तक सारी चीजें हमारी बढ़िया से भुन रही हैं, फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और करते हैं एक काम। आप लीजिए 1 कटोरी, और सबसे पहले हम लेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी, और 2 छोटे चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये माइल्ड होती है, ज्यादा मिर्च नहीं होती, पर कलर बहुत बढ़िया आएगा चटनी में, हो तो जरूर डालिएगा, वरना रेगुलर मिर्च भी डाल सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, चटनी को एकदम चटपटा खट्टा मीठा सारे फ्लेवर्स आएंगे इस चटनी में। अब आप 2 से 3 चम्मच पानी लीजिए और मसालों का एकदम बढ़िया से घोल बना लेंगे। ऐसा करने से मसाले हमारे बिल्कुल जलेंगे नहीं और पानी में बढ़िया से फूल जाएंगे। और ये लीजिए, हमारा मसाला पेस्ट है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए, हमारी सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया से भुन गई है, और जो थोड़ी बहुत कसर रह भी गई है ना, वो भी मसाले डालेंगे तो उसमें ये बढ़िया से भुन जाएंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पर जब सब चीज अच्छे से भुन जाए, इसमें हम डाल देंगे मसाला पेस्ट लो फ्लेम पर और करेंगे बढ़िया से मिक्स। और थोड़ी देर मसालों को भी हम सब चीजों के साथ भून लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। 100% मस्ट ट्राई रेसिपी है, जरूर बनाइएगा जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा एक बाइट खाते ही। और ऑयल छूटने तक बढ़िया से मसालों को भून लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से मसालों में से ऑयल रिलीज हो रहा है। तो बस इस स्टेज पर अब इसमें हम डाल देंगे हमारी टमाटर वाली प्यूरे, जो अभी हमने दरदर ऐसा पीस करके तैयार किया था ना, सारा आप इस पर डाल दीजिए। साथ ही इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार
नमक, सब चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। और यहाँ टमाटर को मसाले के साथ हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जो इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, यानी जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना टमाटर में, वो बिल्कुल सूख जाए और टमाटर का जो मिक्स है वो थोड़ा गाढ़ेपन भर आ जाए। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इस टमाटर की चटनी को हमें काफी दिनों तक रखना है ना, तो बढ़िया से पकाना बहुत ही जरूरी है, टेस्ट भी बढ़िया आएगा। और इस स्टेज पर हम इस पर लगाएंगे लिड, क्योंकि ये जो मिक्स है ना ये उचटता बहुत है, आपकी गैस वगैरह गंदी हो जाएगी। लो फ्लेम पर इसको बढ़िया से पकने देंगे। लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं चटनी को। धीरे से लिड को हटाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट, आप देख सकते हैं कि पानी पहले से कम हो गया है। हम यहाँ पर डालेंगे 4-5 बड़े चम्मच गुड़, यानी जैगरी। यहाँ पर मैंने गुड़ को क्रश कर लिया है, क्रश करके डालेंगे तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। गुड़ से चटनी में बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा, मजा आ जाएगा। आप जरूर डालकर देखिएगा, बच्चे भी बहुत लाइक करेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और गुड़ डालकर अच्छे से करेंगे मिक्स, और तब तक चटनी को थोड़ा सा और पका लेंगे जब तक बढ़िया से गुड़ पिघल ना जाए, अच्छी तरीके से सब चीजें मिलजुल ना जाए। और इसी स्टेज पर एक जरूरी चीज हम इसमें और डालेंगे, और वो है 2 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल वगैरह जरूर ज्यादा डाला जाता है अचार चटनी वगैरह में, जिनको आप लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं, इससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो अगर यदि तुरंत की तुरंत खाना चाहते हैं, थोड़ी सी बनाइए तो ऑयल मत डालिए, लेकिन आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऑयल जरूर डाल दें। एक और टिप मैं बताऊंगी जिससे आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर कर पाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर बढ़िया से गुड़ को भी पिघला लेंगे। अब जैसे मैंने गुड़ डाला है, आप चाहें तो यहाँ पर चीनी भी डाल सकते हैं, और बगैर गुड़ और चीनी के सिंपल स्पाइसी भी बना सकते हैं। अब फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल लो, और लगभग 4-5 मिनट के लिए वापस से इस पर लिड लगा देंगे, जिससे सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से पक जाएं, मिलजुल जाएं, एकदम बढ़िया तेल छूट जाए। तो चलिए चटनी को फटाफट से चेक कर लेते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चटनी में कलर आया है, और चटनी में ऑयल भी छूट गया है, एकदम परफेक्ट। बस इतना लेवल तक हमें इसको पकाना है कि जो आप ऑयल देख रहे हैं ना, ये छूट जाना चाहिए, जो एक्स्ट्रा इसमें पानी हो वो सूख जाए बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी की। ये देखिए इसका टेम्पटिंग सा दरदरा टेक्सचर, ये देख रहे हैं, यही इस चटनी की खासियत है, बहुत ही मस्त लगती है ये, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी टेक्सचर और कलर आ गया है। तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद, और अपनी चटनी को लंबे समय तक रखने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सफेद सिरका, यानी व्हाइट विनेगर, सिंथेटिक विनेगर है जो चाइनीज फूड में डालते हैं ना, बस वही वाला। ये काम करेगा प्रिजर्वेटिव का। तो बड़े चम्मच से लगभग 2-3 बड़े चम्मच आप ये सिरका इसमें डाल दीजिए, इससे बढ़िया चटनी में खटास भी आएगी और इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब आपकी चटनी पूरे 1-1.5 महीने भी खराब नहीं होगी, और फ्रिज में रख दीजिए तो 2 महीने भी बिल्कुल आराम से चल जाएगी। बस याद रखिए चटनी लेते वक्त चम्मच जो है साफ यूज करें, मॉइस्चर वाली ना लें। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अगर आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर ये हरा धनिया ना डालें। मेरे यहाँ तो ये 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने हरा धनिया डाल दिया है। आपके अभी 2 ही दिन में खत्म होगी, आप बना के तो देखिए। तो चलिए मैं करती हूँ सर, और ये लीजिए हमारी टेम्पटिंग खट्टी मीठी चटपटी मजेदार सारे फ्लेवर्स वाली बढ़िया सी टमाटर की चटनी है बिल्कुल तैयार, जिसे खाते ही मजा आ जाए। और बस इसके साथ गर्मा गर्म पराठे या पूड़ी मिल जाए फिर तो कुछ भी नहीं चाहिए, पनीर की सब्जी भी छोड़ देंगे आप, इतनी मजेदार है ये। इसका टेक्सचर, थिकनेस, टेस्ट सब बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो जरूर जरूर बनाइए, और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइए कैसी लगी आज की ये चटकारेदार टमाटर की चटनी, जिसको बनाना बिल्कुल बनता है इससे पहले कि बढ़िया टमाटर का सीजन चला जाए। मेरी गारंटी है बिना भूख के भी आप इससे आसानी से 2 रोटी खा लेंगे, इसका टेस्ट और कलर और टेक्सचर देखकर ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मेरी स्पेशल टमाटर की चटनी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। पास ही बनी बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले देख पाए मेरे नए वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत। Perfect.